जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार बिहार के शिक्षा विभाग के तरफ से, उसके साथ साथ बिहार बोर्ड के तरफ से लगातार ऑफिशियल अपडेट जारी करके बताया जा रहा है कि जिनका भी 75% से कम उपस्थिति है वो एग्जाम में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, और उसके साथ साथ जिनका भी 75% से कम उपस्थिति है उनको एग्जाम फॉर्म वगैरह भरने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में मूल प्रश्न है कि वर्तमान में आप जानते हैं 12th का एग्जाम फॉर्म भरा रहा है, 10th का भी एग्जाम फॉर्म मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए कुछ दिन में, जल्दी 1 से 2 दिन में भरने की शुरुआत हो जाएगा, कभी भी आज या कल में अपडेट जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में मूल प्रश्न है कि जिनका भी 75% अभी तक उपस्थिति पूरा नहीं हुआ है किसी भी छात्र छात्राओं का, तो क्या उनका एग्जाम फॉर्म मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 का भरने दिया जाएगा कि नहीं, तो इसी बात पे हम लोग फोकस रहेंगे। तो देखिए यहां पे जो एग्जाम फॉर्म भरने के लिए इंटर का ऑफिशियल अपडेट आया है, ऐसे ही मैट्रिक का भी होगा, तो मैं पूरा यहां पे ऑफिशियल अपडेट यहां पे मैं दिखा दे रहा हूं। ऐसे में आगे मैं इसका डाउनलोड करने का भी लिंक दे दूंगा ताकि आप खुद से भी डाउनलोड करके पढ़ पाए, तो यहां पे मैं पूरा आपको दिखा दूं, मैंने विस्तृत इसका अध्ययन किया, तो यहां पे कहीं पे भी ये बात की चर्चा नहीं हुआ है कि अभी 75% उपस्थिति नहीं है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते, अर्थात उनका परीक्षा फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जानता है कि अभी चंद दिनों पहले आपका अपडेट आया है। ठीक है, ये अपडेट आया चंद दिनों पहले आपका, मतलब कि 75% उपस्थिति का। ऐसे में इसी मंथ में एग्जाम फॉर्म भरा रहा है मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, तो कैसे छात्र छात्राओं का किस आधार पर वो काउंट करेगा आपका अटेंडेंस के 75% उपस्थिति हुआ कि नहीं, तो इसीलिए आपको 75% उपस्थिति का यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया पूरा ऑफिशियल अपडेट में कहीं पे ये लाइन नहीं लिखा गया कि जिनका भी 75% उपस्थिति नहीं है वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि इसके पीछे का रीजन यही है कि अभी तुरंत आया, अभी तो नया नया नियम आ रहा है, तब तक आपका एग्जाम फॉर्म भरा जा रहा है तो आप पे नियम लागू होगा नहीं एग्जाम फॉर्म भरने में, और जैसे ही आपका एग्जाम फॉर्म भरा गया तो आप समझिए आगे आप स्कूल कॉलेज, आपको आगे तो एग्जाम है हर मंथ में, तो उसमें तो आपको जाना ही होगा, बाकी आपका कोई भी अटेंडेंस का क्राइटेरिया काउंट ही नहीं होगा, क्योंकि जिनका भी एग्जाम फॉर्म भरा गया स्कूल का फी वगैरह देगा, उनका एडमिट कार्ड आएगा, वो परीक्षा में सम्मिलित होंगे ही, अर्थात एक तरह से देखा जाए तो मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 पे इस क्राइटेरिया का कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहां पे आप एग्जाम फॉर्म भर लेंगे, आगे आप बस आपका एडमिट कार्ड आएगा ही आएगा जब एग्जाम फॉर्म में इतना फी दे रहे हैं तो, और उसके बाद आप एग्जाम में सम्मिलित होंगे ही। अब इसमें क्या क्राइटेरिया है, तो इसमें देखिए सिंपल सा क्राइटेरिया है, कुछ कहीं पर भी नहीं लिखा गया कि आपका अटेंडेंस कितना होना चाहिए, बस एक ही क्राइटेरिया है कि आप भले ही एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं लेकिन अगर आपका को अगर आपका स्कूल कॉलेज बकाया रखा है तब आपको एग्जाम देने से वंचित किया जाएगा, और दूसरा यहां पे बताया जा रहा है कि अगर आपका आगे सेंटअप एग्जाम होगा, देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया सेंटअप एग्जाम जो होगा उसमें अगर आप सम्मिलित नहीं होंगे या उसमें आप फेल कर जाएंगे तब आपको एग्जाम देने के लिए, अर्थात तब आपका एडमिट कार्ड वगैरह जारी नहीं किया जाएगा, अर्थात कि आपका मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 में अगर आप सम्मिलित होने जा रहे हैं तो उसके लिए दो ही क्राइटेरिया निर्धारित किया गया, एक तो आपका फी अगर आपका स्कूल कॉलेज जमा किया हो तब आप एग्जाम में सम्मिलित हो पाएंगे, और दूसरा क्राइटेरिया है कि जो आगे सेंटअप एग्जाम होगा, सेंटअप एग्जाम का बकायदा डेट वगैरह जारी कर दिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से कि कब मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सेंटअप परीक्षा का आयोजन होगा, वो जो सेंटअप एग्जाम होगा उसमें अगर आप नहीं भाग लेंगे तब आपको एग्जाम में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा, यहां पे स्पष्ट रूप से लिखा गया तब आपका एडमिट कार्ड वगैरह जारी नहीं होगा। तो जो भी विद्यार्थी मन में प्रश्न चल रहा था कि अभी से अखबार लीजिए हमारा 75% उपस्थिति तो हुआ ही नहीं है, कोई भी विद्यार्थी स्कूल कॉलेज गए नहीं है क्योंकि पहले नियम था ही नहीं, तो उनका किस दिन से हाजिरी, मतलब अटेंडेंस आपका जुड़ा जाएगा, क्या उनको फॉर्म भरने दिया जाएगा नहीं, तो आप कभी भी स्कूल कॉलेज गए हैं या नहीं, आपको बेझिझक होकर जाकर फॉर्म भरना है, कहीं पे इस ऑफिशियल अपडेट में नहीं लिखा गया है कि आपको फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा, ये आगे से जिनका होगा उन पे लागू होगा, और आपका बस एक ही क्राइटेरिया है कि सेंटअप एग्जाम में आपको आगे जब होगा सेंटअप एग्जाम तो उसमें आपको सम्मिलित होना है और पास करना है। बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल अपडेट में दिखा रहा था, आप खुद से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि उसमें क्या क्या जानकारी दिया गया, उसको आपको डाउनलोड करना है, या जो सेंटअप एग्जाम की चर्चा हो रहा है तो सेंटअप एग्जाम का तो डेट आ गया है तो उसके बारे में कोई भी अपडेट पढ़ना, या इंटर का आपका एग्जाम फॉर्म भरा रहा है, इंटर का रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया गया है, तो इन सभी अपडेट के लिए आपको AR कैरियर पॉइंट सर्च करना है गूगल सर्च बॉक्स में, इस चैनल का नाम सही यहाँ पे AR कैरियर पॉइंट इस तरह टाइप करके सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा, ARCareerPoint.com वेबसाइट आप में सबसे ऊपर शो होगा, इस वेबसाइट पे सभी जानकारी आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है, सिंपल सा आपको इस पे क्लिक करना है, आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा BSCB अपडेट एडमिट कार्ड में आपको क्लास 12 का जो मतलब की रजिस्ट्रेशन कार्ड आया है उसकी जानकारी, और वहीं से जो ऑफिशियल अपडेट में दिखा रहा था वो भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इंटर एग्जाम फॉर्म को लेकर अपडेट है, मैट्रिक का जैसे ही एग्जाम फॉर्म भरने जाने की शुरुआत होगा यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा का वो भी यहां पे अपडेट मिलेगा। अब यहां पे देखिए जैसे जो भी अपडेट आया है क्लास 1 से 12वीं का यहां पे रूटीन जारी,
फिर यहाँ पे 75% से कम उपस्थिति के बारे में जो भी आपका है वो सभी यहाँ से आप जो भी अपडेट है यहाँ पे सभी चीज़ आप पढ़ सकते हैं। सेंटअप एग्जाम का मान लीजिए आपको रूटीन देखना है तो इसी में नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे व्यू मोर है। बीएससीबी अपडेट में फिर से दिखा दे रहा हूँ, बीएससीबी अपडेट में पूरा तरह का बिहार बोर्ड जो भी अपडेट जारी करता है वो अपडेट किया गया, तो यहाँ पे व्यू मोर है क्योंकि काफी पहले आया था, तो सिंपल सा आपको इस व्यू मोर पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके नीचे की तरफ बढ़िएगा थोड़ा सा तो यहाँ पे पूरा खुल जाएगा आपका। और यहाँ पे देखिए हाफ ईयरली एग्जाम का रूटीन, यहाँ पे मासिक परीक्षा जो होगा वो, फिर यहाँ पे 75% से कम उपस्थिति का जो आया था वो, और फिर आपका सेंटअप एग्जाम का जो चर्चा किया जा रहा था। तो यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ बीएससीबी मैट्रिक इंटर सेंटअप एग्जाम डेट 2024 में बोला सेंटअप एग्जाम का तिथि जारी कर दिया गया। सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक करना है। सेंटअप एग्जाम को लेकर देखिए एक एक जानकारी यहाँ पे ओपन हो जाएगा, कितने परीक्षार्थी इस साल सम्मिलित होने जा रहे हैं, इंटर का सेंटअप एग्जाम कब होगा, मैट्रिक का सेंटअप एग्जाम कब होगा, तो पूरा यहाँ पे आपके सामने ऑफिशियल अपडेट ओपन हो जाएगा। बिहार बोर्ड का जो भी अपडेट आया पूरा पढ़ने के लिए आपको .com वेबसाइट पर आपका सेंटअप परीक्षा का तैयारी और सब जो मासिक परीक्षा आपका होने जा रहा है पूरा अपडेट बीएससीबी अपडेट में है। बीएससीबी अपडेट वाले सेक्शन में आइएगा और यहाँ पे व्यू मोर पे क्लिक कर लीजिएगा, पूरा अपडेट खुल जाएगा। जो भी अपडेट आपको पढ़ना है, सेंटअप एग्जाम का रूटीन देखना है, मासिक परीक्षा का हाजिरी वाला क्राइटेरिया पूरा यहाँ पे आसान भाषा में लिखा गया, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर अभी के इस पूरे वीडियो का मैं सारांश बता दूं तो 75% उपस्थिति जिनका भी हो या नहीं हो उससे आपके एग्जाम फॉर्म पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको निश्चिंत होकर जाकर अपना एग्जाम फॉर्म भरना है। नहीं है कि जो लगातार अपडेट आ रहा था कि एग्जाम फॉर्म भरने से आपको वंचित किया जाएगा, इसका मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 के एग्जाम फॉर्म पे इस अपडेट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। मैंने ऑफिशियल अपडेट दिखा दिया, ऐसे आप पर यहां से आकर भी सभी अपडेट पढ़ सकते हैं, सेंटअप एग्जाम वगैरह का रूटीन भी देख सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।